रिच रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी का शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही सिंपल है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो जब भी हमें खाने में कुछ तीखा खाने का मन करे तो हम इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मिर्च फ्राई के लिए मैंने लिया है 15 पीस हरी मिर्च, मोटी वाली है। इसे अच्छे से धो लेंगे और इसके पानी को सुखा लेंगे। 1 चम्मच सरसों का तेल यूज़ किए हैं, आधा चम्मच इसमें काला नमक है, 1.5 चम्मच इसमें सादा नमक है, 4 से 5 चम्मच इसमें नींबू का जूस है। सबसे पहले हम मिर्चों को काट लेते हैं। इस तरह से चीरा लगा देंगे, बीच से कट कर लेंगे और सारी मिर्चों को इस तरह से हम काट लेंगे और इसके बीज नहीं निकालेंगे और डंठल भी नहीं निकालेंगे। हम इसे डंठल के साथ ही फ्राई करेंगे और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसका पानी को सुखा लेंगे फिर हम इसे फ्राई करेंगे। चाहे तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, पर मैं इसको लंबे लंबे ही रखी हूँ। इस तरह से मिर्च कट के तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें पैन चढ़ा देंगे। पैन जब गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल गर्म होने के बाद इसमें हम मिर्ची डाल देंगे और मिर्ची के साथ हम नमक डाल देंगे। तो 1.5 चम्मच इसमें हम मिर्च का नमक का यूज़ किए हैं। मिर्च और नमक को हम एक साथ फ्राई करेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम रखना है गैस का और इसका जब कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद हम इसमें काला नमक डाल देंगे। काला नमक से इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और मिर्च को ठंडा होने देंगे। इस तरह से मिर्च ठंडा हो गया है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। इसमें चारों तरफ से हम इसमें नींबू का जूस फैला देंगे और जो भी खाने के शौकीन है, तीखे खाने का शौकीन है, ये मिर्च फ्राई की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें मसाले का भी बिल्कुल यूज़ नहीं है। तो हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी ऐसी आने वाली रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।